से दूर होकर भी दिल को हमेशा यह एहसास रहता है। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए। जीवन उत्साह न्यूज के सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। मैं रमेश शर्मा आजकल आपको लगातार लेकर चल रहा हूं पंचायती चुनाव की पूरी जो प्रक्रिया है उसकी तरफ। और जैसा आप जानते हैं कि मैंने आपको पंचायती चुनाव के लगातार पूरे माहौल के बीच में बहुत सारे प्रत्याशियों से भी मिलाया, बहुत सारे जागरूकता के विषय भी आपके बीच में रखे, क्यों आपको प्रधानों को किस तरह से चुनना चाहिए, कैसे चुनना चाहिए, क्या देखना चाहिए, ये सब बातें हमने की। और मुझे पता है कि आप लोग जागरूक भी हैं, इन सब बातों के लिए आप सीरियस भी हैं, क्योंकि अब आपको महत्व समझ में आ गया है कि पंचायतों का कितना बड़ा रोल है आपकी तरक्की में। मैं आपको ये बात बताना चाहूंगा कि अगर एक देश के प्रधानमंत्री किसी दूसरी पार्टी या तीसरी पार्टी से होते हैं तो शायद इतना बड़ा फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन अगर एक प्रधान, एक वार्ड पंच, एक उम्मीदवार आपका योग्य होता है तो बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। मैं आपको आज लेकर चल रहा हूं राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला, जो आप यहां पर देख रहे हैं सोहारी में, और यहां पर वोटिंग चल रही है सोहारी पंचायत को लेकर। और यहां पर अब मैं एक नया सा मुद्दा आपके बीच में लेकर आ रहा हूं, हालांकि इस मुद्दे को लेकर मैं आपके बीच में लगातार बात कर रहा हूं पिछले 5-7 दिनों से, जहां पर यह बात देखने में आई है कि इस बार जो वोटर लिस्ट भेजी गई है उस लिस्ट में लोगों के नाम ही नहीं है। और केवल नए लोगों की बात नहीं मैं कर रहा हूं, ऐसे लोग जो 10 साल 15 साल 20 सालों से यहां पंचायतों में रह रहे हैं उनके नाम भी गायब हैं। तो इसके पीछे आखिर क्या वजह है और इतनी बड़ी लापरवाही, अगर चुनाव आयोग द्वारा ये लिस्टें फाइनल की गई हैं तो कैसे हुई? और आज यहां पर इसी को लेकर लोगों के अंदर रोष है। काफी लोग यहां पर सोहारी पंचायत में चुनाव करने के लिए, मतदान करने के लिए आए थे, लेकिन उनका वोट लिस्ट में जब नाम ही नहीं है तो वो वोट किसे देंगे? तो इसको लेकर बहुत बड़ा रोष लोगों के बीच में है और लोगों ने हमें कॉल किया, बुलाया, हम यहाँ पर पहुंचे। हम पहले लोगों से बात करना चाहेंगे, यहाँ इनकी समस्या है, लोगों ने अभी कितने लोग हैं मैं बात करूंगा, लेकिन फिलहाल जी आप बताइए क्या समस्या है, आपका नाम और क्या इस वोटर लिस्ट को लेकर आपकी समस्या है। सर मेरा नाम अमित कुमार शर्मा। एक्चुअली अभी मैंने थोड़ी देर बाद देखा कि यहाँ पंचायत की जो लिस्ट आई हुई है उसमें कहीं ना कहीं जो हमारा वार्ड है और हमारे पड़ोस का वार्ड नंबर 1 और वार्ड नंबर 2, उसमें कम से कम 20 से 50 लोग गायब हैं। और वही मैंने जब मैं पंचायत सेक्रेटरी के पास गया और उनके पास एक विधानसभा और लोकसभा वाली जो शीट होती है हमने उसको मैंने वेरीफाई किया तो उसमें एक बहुत बड़ा गैप था। एंड आई एम गेटिंग सरप्राइज्ड कि ऐसा कैसे हो गया। फिर मैंने पंचायत सेक्रेटरी से पूछा तो बोलता है कि इस बार तो कुछ होगा नहीं आपका, अगली बार करो। सर मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारे गांव की एक ओपन सीट है और हमने पिछले 20 सालों से पहली बार अपना कैंडिडेट खड़ा किया और इस उम्मीद से किया कि सारे गांव वाले आएंगे और वोट डालेंगे। बट हुआ क्या हमारे साथ, 20-30 वोट ही गायब हैं। अब मेरा जो गांव का कैंडिडेट है अगर वो सिर्फ 10 वोटों से हार जाता है तो इट इज़ शॉकिंग फॉर मी। मैंने बहुत मेहनत की। अभी आपकी समस्या ये है कि आपका वोटर लिस्ट में नाम नहीं है, जबकि विधानसभा वाली में और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वाली लिस्ट में आपका नाम है। बिल्कुल सर, ये सर मेरा नाम है लेकिन मेरे गांव के लड़कों का नाम नहीं है। ठीक है, एंड ठीक है, मैं लेकर आऊंगा। अभी आप हमारे बीच में और भी लोग हैं, मैं हमारे बीच में एक व्यक्ति और भी खड़े हैं। सर क्या पूरा इशू आप बताना चाहेंगे इसको लेकर? सर हमारा फर्स्ट टाइम वोटर कार्ड बना है, नया बना है, अभी कल ही मिला है, लेकिन मुझे बड़ा दुख हुआ कि लिस्ट में मेरा नाम नहीं है। तो अगर पंचायत इलेक्शन में ऐसी गड़बड़ी हो रही है तो एमपी एमएलए की इलेक्शन में तो और भी हो सकती है या कम हो सकती है, मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन ये हमारा पहला वोट डालने का अधिकार है, हमें इससे वंचित रखा जा रहा है। तो अथॉरिटी मस्ट सी प्रॉपरली व्हाट इज द रीजन, दोज पीपल हु आर बिहाइंड इट दे मस्ट बी पनिश्ड एंड गिवन द बेस्ट ट्रीटमेंट। ठीक है जी, यहाँ पर और भी कुछ लोग हैं कि आपका भी नाम लिस्ट में नहीं है, तो क्या कहना चाहेंगे आप? हमारा नए वोटर कार्ड बनने, वोटर कार्ड तो आगे हमारे हैं लेकिन हमारा नाम नहीं है इसमें, वेरी सॉरी। अच्छा, यहाँ पर और भी कोई लोग हैं जिनके नाम नहीं? 8 साल हो गए बने हुए, पहले भी 2-3 बार वोटिंग कर चुका हूँ पर इस बार मेरा नाम लिस्ट में नहीं है। अच्छा, आपका भी नाम लिस्ट में नहीं है। अच्छा, यहाँ पर और भी लोग हैं जिनका नाम लिस्ट में नहीं है, यहाँ पर
यहाँ पर माता जी आपका नाम भी नहीं है? नहीं, हमारा भी नहीं है, हमारा तो पुराना है। अच्छा, आपने इससे पहले विधानसभा में जो एमएलए के इलेक्शन हुए थे या एमपी के, उनमें डाला था वोट? उसमें दिया था। अच्छा, इस बार नहीं आपका? हाँ। तो आपने पंचायत सेक्रेटरी से क्या पूछा था पिछले 10-15-20 दिन पहले के वोटिंग लिस्ट वगैरह के बारे में बात हुई? नहीं पूछा, कोई बात नहीं हुई? नहीं नहीं नहीं। अच्छा, कभी आपके मतलब गाँव में कोई ऐसी पंच ने आपके ने बोला वार्ड पंच ने की लिस्ट देख लो आपके नाम वगैरह ठीक है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं। आपका भी नाम नहीं है जी लिस्ट में? क्या नाम है आपका? सुनीता शर्मा। सुनीता, कितने आज से पहले आप वोट डालते थे? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, इस बार आपको वोट नहीं? हाँ जी। तो यहाँ पर देखिए, थोड़ा सा एक बात बड़ी जरूरी है समझना कि इस तरह की गलती आखिर कैसे हो सकती है? ये जो लिस्ट है, जब वोटिंग अभियान चलता है आपका वोटर लिस्ट बनाने का या आपका वोटर आई कार्ड बनाने का, तो उसके बाद में जब लिस्ट के अंदर नाम नहीं हो तो इसके पीछे किस व्यक्ति की जवाबदेही तय हो सकती है, ये चुनाव आयोग को जरूर देखना पड़ेगा। और अब क्योंकि समस्या ये है कि अब चुनाव तो हो रहे हैं, अब तो हो गए चुनाव, तो अगर कोई कैंडिडेट 10-15-20 वोटों से मान लीजिए हार जाता है, और वो कैंडिडेट इसलिए हार जाता है कि वोटिंग लिस्ट में नाम ही नहीं है लोगों का, तो फिर ये बड़े शर्म की बात है। हमारे मतलब अधिकारियों को, प्रशासन को, सरकारों को इस बात को लेकर जरूर सोचना चाहिए कि ऐसी लापरवाहियां क्यों हैं। क्योंकि मैं व्यक्तिगत रूप से इस बात को बता रहा हूं कि ये लिस्ट मैंने देखा है, तो 3-4 साल पुरानी लिस्ट जो है वो अभी मेरे सामने आई है, जो मैं व्यक्तिगत अपना प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस करके देख रहा हूं, मेरे खुद के नाम की बात मैं कर रहा हूं। तो ये क्यों हुआ, इसको लेकर अब जांच होनी चाहिए, और क्या इसके पीछे मंशा है, क्या इसके पीछे इरादा है, ये भी सामने आना चाहिए। लेकिन फिलहाल अभी लोगों के पास तो निराशा के अलावा कोई कुछ चीज़ नहीं है, क्योंकि अब ये कुछ कर नहीं सकते। अब ऐसे समय में इनको वोट डालने के अधिकार से वंचित रखा गया है, तो ये कहीं ना कहीं इनके लोकतांत्रिक अधिकार का भी हनन है। सरकारें इसको लेकर सोचें और इसको लेकर एक कोई सही निर्णय लें कि ऐसी चीज़ें ना हो दोबारा, लोगों को उनके अधिकार जो हैं वो पूर्ण रूप से मिल सके। जीवन उत्साह न्यूज़ के साथ आप बने रहिए इसी तरह से, और अगर आपके साथ भी ऐसी समस्या हुई है तो आप भी कमेंट करिए, खबर को शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि सरकार तक, अधिकारियों तक उनकी जो नाकामी है, उनकी जो लापरवाही है वो पहुंच सके और उनको समझ में आ सके कि लोग आपसे बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस करते हैं, और उन एक्सपेक्टेशंस को आप इस तरह से तोड़ते हैं तो बहुत ही ज़्यादा दुख होता है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का, इसी तरह से बने रहे हमारे साथ में। थैंक यू वेरी मच। इनका फोटो दिस न्यूज इज प्रेजेंटेड बाय वैभव इंटरप्राइजेज भकरेड़ी मार्केट महरे। सभी तरह के टाइल्स, मार्बल, सैनिटरी वेयर व पानी की टंकियां बाजार से कम दामों में खरीदें।